राम राम भाई, सारे भाइयों ने। तो भाई आज बात करेंगे हम स्टेरॉइड्स के ऊपर। जिस तरह का माहौल चल है, जिस तरह से छोटे बच्चे हैं, जो छोटे भाई हैं, उनको लगता है कि ये एथलीट है, जो भी जिस भी फील्ड में है एकदम से यहाँ पहुँच गए। कोई उनको बहका भी देता होगा, इसने स्टेरॉइड्स लिए थे इसलिए इतनी जल्दी यहाँ आ गया। तो भाई जब तक हम कम से कम 20 साल के नहीं हो लेते, हमने खुद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके, अच्छी डाइट अच्छे तरीके से रह के अपनी मैक्सिमम तक हमें पहुँचना चाहिए, अपनी लिमिट तक। आप फिर वहाँ जाके कुछ लिमिट उग जाती है, वो भी जो सीनियर एथलीट हैं, जो उस फील्ड में ज्ञाता हैं, इनको नॉलेज है, या फिर जो सप्लीमेंट्स वाले हैं, जो ये जहाँ से आपको स्टेरॉइड्स अवेलेबल हो सकते हैं, तो किसी ट्रस्टेड सोर्स से हम प्रोटीन भी इतना देख परख के लेते हैं, तो भाई आप लोग बिना सोचे बिना देखे स्टेरॉइड कैसे ले लेते हैं। कई बार देखे कई कैसे कि कोई बच्चा आया है, भाई ये दो वायल दी हैं किसी ने, कोई भी जो पहलवान बनाते हैं या और गेम के एथलीट तैयार करते हैं डीबीओ से, स्टेरॉइड से, तो वह स्टेरॉइड तो ना कोई तैयार होया है ना कभी होगा। भाई हर महीने करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं दिल्ली में, तो इन चीज़ों का हमने दिल्ली रेंज में ही लगावेंगे तो बहुत ज़्यादा सर स्टेरॉइड्स बिकता है, आता जाता है। तो कितने ज़्यादा एथलीट बॉडी बिल्डर्स तैयार हो गए, बॉडी बिल्डर्स पे आ जाओ, तो बॉडी बिल्डर की तो मानते होंगे ना, भाई स्टेरॉइड लिया और बन गया बॉडी बिल्डर। नहीं भाई, नहीं बनता है। थोड़ा तरीका, जो बड़ा एथलीट देखा है आपने कि वो इतनी जल्दी नहीं पहुँचा भाई, उसके पीछे स्ट्रगल देखो, कई साल लग गए हैं वहाँ तक आने में। उतना टाइम आप भी दो, आप भी पहुंचोगे। जैसे आपको मौका मिलेगा, कोई अच्छा एथलीट, कोई ना कोई नॉलेज देने आपको मिल जाएगा, जब अच्छा काम करते दिखोगे कि अच्छा वर्क कर रहा है, अच्छा बच्चा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो कुछ ना कुछ गाइडेंस हमें मिल जाएगी। और इन पर डिपेंड ना रह के हम सप्लीमेंट से भी अपनी रिकवरी बहुत अच्छी कर सका, और मेहनत तो हमने करनी है, प्रैक्टिस तो हमने करनी है भाई। तो अगले टाइम की प्रैक्टिस के लिए क्या होता है, हमें रिकवरी की ज़रूरत होती है कि भाई ज़्यादा हमें बॉडी में कोई नुकसान ना हो और थकान ज़्यादा फील ना, और रिकवरी होगी अगले टाइम, फिर हम और अच्छी वर्कआउट कराएंगे। तो इस तरह हम स्टेप वाइज आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आप नीचे वाले सीढ़ी पर खड़े एकदम चोटी में नहीं जा सकते भाई, कोई इंजेक्शन ना बन रहा, ना कोई ज्ञाता ना कोई भगवान कि तरते कोई शीशी देवेगा और तुम बन जाओगे, एक इंजेक्शन में दो इंजेक्शन में ऊपर वाले चोटी पहुँच जाओगे, ना पहुँचा जाओ भाई, बीमार हो जाओगे। हाँ के चलन चल रहा है, जाएंगे कहीं से लेंगे, और एक आधा भाई जो हमारी नॉलेज में आप पहुंच जाता है हमारे पास, भाई ये दिए थे, और फिर वो गायनो बन जाती है, गायनो की प्रॉब्लम आ जाती है, लीवर किडनी में इफेक्ट आ जाता है। तो भाई इतने स्टेरॉइड पर डिपेंड मत रहो। और ये जो और भी दूसरा चलन है, नॉर्मल फिटनेस दिखाने के लिए भी स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ करें भाई। तो भाई अगर मान लो मेरे कहीं रुक तो नहीं है, मन मना भी नहीं कर सकता, पर किसी नॉलेज वाले के पास चले जाओ कि आप लोगे तो कुछ नुकसान ना हो, किसी ने थोड़ी बहुत नॉलेज हो, किसी ने खुद यूज कराया हो, या तो अच्छी जगह है, एक अच्छा सोर्स हम प्रोटीन के लिए BCA के लिए भी ढूंढते हैं। तो भाई ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो आदमी को बहुत बहुत ज़्यादा बीमार कर सकती है। बहुत तरीके से लो, जो भी करो बड़े ही गाइडेंस में पूछ के सोच समझ के कदम उठाना चाहिए भाई। और ये 18-19 साल के भाई हैं, जो इब स्टार होने की मत सोचो, थोड़े दिन प्रैक्टिस कर लो, 2-4-5 साल अच्छा टाइम दो, एक अच्छी नीति के साथ दिमाग ने एक जगह सेट रखो, पक्का सक्सेस हो जाओगे एक तरीके से चलोगे तो। और ना तो भाई स्टेरॉइड जल्दी उम्र में ले लें, गलत तरीके से लिया जावे है, बहुत घने डॉक्टर बैठे हैं जिन्हें घंटे नॉलेज नहीं, कोई कहीं से बताता फ़ौरन से मंगा लिया, कोई कहीं से लेबल भी, यार बिना लेबल के कौन के लिया करे, कल ने थारे कोई नुकसान हो गया लेबल के बिना आप दवाई लिया है, यार कौन भगवान बैठे है भाई, के मिला के दे दिया इस हाउस में तेने अपना लगाया और तू चैंपियन बन गया, ना बने, सब कुछ हो जाएगा, तरीके से रहो। और जो भी चीज़ लो ना उसकी नॉलेज ले लो भाई, कि आपने यूज क्या कराया है, कल ना बॉडी में कोई फॉल्ट आ गया, डॉक्टर तो बताने के तो हो जाएंगे कि हमने ये साल्ट यूज कराया था इससे ये नुकसान हो गया, वे तो साल्ट का लेबल ही पाट देते हैं ऊपर से उस डिब्बी के, और मेरे भाई हैं लेने लग रहे हैं और सोचते हैं पहलवान भी बनेंगे हम, ये भी बने हैं बॉडी बिल्डर बन जाएंगे,
ना बनो तुम कुछ भी, तुम गधे बन गए। तुमने बिना लेबल लगा ले लिया ना कोई सामान ले लिया तो अब गधे बन गए भाई। चैंपियन तो बन बना लिए, गधे उसे दिन बन गए जिस दिन गए थे। तो भाई मैं तो कई बार मन करा था, मेरा जी करा, मेरे पता भाई ये भी थोड़ा स्टैंड हो रहा है, मैं बोलूँगा तो कई भाई सुनेंगे मेरे, हो सके 10-5 मान भी ले मेरी बात। बढ़िया प्रैक्टिस करो, एक टाइम आओगा तुमने ज़रूरत पड़ेगी तो कोई ना कोई गाइडेंस देनी अपने मिल जाएगा, ना तो फिर अच्छा सोर्स ढूंढो, कहीं ना कहीं लिंक मिलाओ और अच्छे आदमी के पास जाओ जो थोड़ा समझा दे बता दे, कल ना उसका नुकसान हो उसके बारे में आपको बता दे। जिसने खुद पे यूज़ कर रखे होंगे तो उसने साइड इफेक्ट भी देखे होंगे और अच्छे इफेक्ट भी देखे होंगे, तो आपको हर चीज़ की नॉलेज देता रहेगा और भाई आप आगे बढ़ते रहोगे। सप्लीमेंटेशन से भी हम अपनी बॉडी की बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। तो भाई ये वाह है आप लोग का दर, जो भाई देखे से वीडियो ने, मान ले आपके लिंक में कोई एथलीट है, कोई गेम की तैयारी कर रहा है बच्चा आगे, तो उसके पास शेयर कर दियो, थोड़ा समझा दियो कि भाई अकेले स्टेरॉइड से, मान ली भाई गेम करने वाले कंपटीशन वाले लड़के आने चाहिए, बच्चे ने जरूरत पड़ सके है परेशान है ना, उसी से हो जाएगा सब कुछ। वो तो 10-15% का जैक देगा, वो भी अच्छे तरीके से लगेगा, तो अच्छी नॉलेज में आपको मिल गया तो तरीके से। तो भाई ना तो मैं तो यही चाहूँ, बिना बात दिखावे के लिए और एकदम से जंप मारने के लिए मत लो इन चीज़ों ने, बीमार हो जाओगे, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाओगे, कोई ठीक करने नहीं पाओगा, और फिर बीमार होने के बाद जब कंडम हो जाओगे, ठिकाने बैठ जाओगे एक साइड में, तो फिर दूसरों को गेम करने वाले आपको बुरे लगेंगे, आप बोल दोगे इनका ये हाल होगा, और वही गंदी मिथ समाज में बढ़ती जाओगी। हर चीज़ एक तरीके से होती है, ट्रस्टेड सोर्स हम ढूंढते हैं, ढूंढ लो, आगे बढ़ो, पीछे मत जाओ, बीमार मत हो करके रुपये लगाओ आगे बढ़ाने थे, सबके घर के चाहो हमारा बड़ा कामयाब हो। तो भाई तरीके तो ही कामयाब होया जाएगा। बाकी भाई आपकी जो राय है, जो अपना लग है वीडियो, और भी सहना तो सहने समझदार बड़का आदमियों के पास जाओगी, वे कमेंट करके बताइयो कौन सी बात गलत ठीक है, या तो मेरी अपनी सोच है और सबकी अपनी सोच है, और सब बोल सकते हैं भाई, जो आपने ठीक लगा आप भी बताइयो, एक तरीके से सोल्यूशन निकालो इस चीज़ का, अपने छोटे भाइयों ने बचाओ, गायनो बन गई यार सारी चेस्ट की शेप खराब होगी, जॉइंट्स कमज़ोर हो गई, ये हो गया वो हो गया, गए थे ऊपर जानते ही लेवल अप करने थी, लेवल डाउन हो गया। तो उम्मीद करूँगा समझोगे, समझाओगे, और जिस भाई पे भी सोर्स है तरीका है समझाओ, अपने तो बड़े छोटे ने नॉलेज है तो बताओ भाई, तो राम राम सारे भाइयों ने भाई कमेंट करके बताइए।